बॉलीवुड की आने वाली चार फिल्में जो साउथ मूवी की कॉपी की गई है और इसी साल रिलीज होगी। नंबर 4 पर सजादा फिल्म आती है। इस फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन और कृति सेनन है। इस फिल्म को 10 फरवरी 2023 को रिलीज किया जा रहा था, लेकिन पठान फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस होने के बाद यह फिल्म 17 फरवरी 2023 को रिलीज की जाएगी। इस फिल्म के डायरेक्टर वरुण धवन के बड़े भाई रोहित धवन है। सजादा फिल्म का बजट 50 से 60 करोड़ रुपए का है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म अला वेकेंट पुरमुल्लो की कॉपी की गई है, जिसमें अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े के लीड रोल में है। नंबर 3 पर सेल्फी फिल्म आती है। इस फिल्म के लीड रोल में अक्षय कुमार और इमरान हाशमी हैं। इस फिल्म को 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया जाएगा। सेल्फी फिल्म के डायरेक्टर राज मेहता हैं। सेल्फी फिल्म का बजट लगभग 150 करोड़ रुपए है। यह फिल्म मलयालम लैंग्वेज की ड्राइविंग लाइसेंस फिल्मों की कॉपी की गई है, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारा और सूरज वेंजारा मोडू लीड रोल में है। नंबर 2 पर भोला फिल्म आती है। इस फिल्म के लीड रोल में अजय देवगन और तब्बू है। इस फिल्म को 30 मार्च 2023 को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी अजय देवगन है। भोला फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए है। यह फिल्म तमिल लैंग्वेज की कैथी फिल्म की कॉपी की गई है, जिसमें एक्टर सूर्या के छोटे भाई कार्थी लीड रोल में है। नंबर 1 पर जाने से पहले अगर आप लोग अपने भारत माँ से बहुत प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 1 पर किसी का भाई किसी की जान फिल्म आती है। इस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान, रघुपति वेंकटेश, पूजा हेगड़े और जगपति बाबू है। इस फिल्म को 21 अप्रैल 2023 को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म के डायरेक्टर सामजी है। किसी का भाई किसी की जान फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए है। यह फिल्म तमिल लैंग्वेज की वीरम फिल्मों की कॉपी की गई है, जिसमें अजीत कुमार और तमन्ना भाटिया लीड रोल में हैं। आप लोग इन चारों फिल्मों में से कौन सी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।